जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक बहल ने। आइए मिलवाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू से। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव होने जा रहे हैं इस समय हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, उनसे जानते हैं सर इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं किन किन मुद्दों के किन किन आधार पर रहेंगे। देखो इस टाइम तो गुरु ग्रंथ साहब जी बेअदबी उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है और हर के ये चोट दिल में लगी हुई है, आग दिल में लगी हुई है हर के। पार्टियाँ इलेक्शनें ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, जो हमारा गुरु है। अगर हमारे गुरु की अकाली दल बीजेपी के राज में उनकी बेअदबी हो जाए, उनके अंगों के साथ वो काम किया गया जो अहमद शाह अब्दाली के टाइम भी नहीं हुआ, तो अब आपके सामने आ गया लुधियाना से कौन है जो उस टाइम एसजीपीसी के प्रधान थे, 11 साल प्रेसिडेंट रहे मक्कड़ साहब, उन्होंने सामने आके, क्योंकि रात को अकाली दल वालों को नींद नहीं आती, जितने इनके एमएलए जिनके इनके एमपी या इनके अहदेदार हैं या एसजीपीसी मेंबर हैं रात को सो नहीं सकते, पश्चाताप, परिवार वाले, घरवाली, सिस्टर सब बोलते हैं भी आप उस पार्टी में हो जिसने गुरु के साथ बेअदबी की और करने वालों को माफ किया, हुक्मनामा जारी किया। तो अब धीरे धीरे, पहले मक्कड़ साहब बोले, आज सब पेपर में रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा जो सबसे सीनियर एमपी हैं उन्होंने आज बोला है, चंदू माजरा जी ने बोला, उसके बाद तोता सिंह जो खुद अकाली दल के प्रेसिडेंट रहे उन्होंने बोला, सेवा सिंह सेखमा उन्होंने बोला। तो धीरे धीरे हर अकाली दल वाला उसकी जमीर जाग रही है, तो वो बोल रहा है अभी 10 साल में क्या क्या किया और गुरु के साथ। तो अब मुझे स्थिति ये लग रही है वोटों तो बहुत दूर की बात है, अकाली दल नहीं बचेगा और सिर्फ बादल परिवार ये 4-5 मेंबर परिवार के रह जाएंगे, बाकी सब छोड़ के, क्योंकि आखिर गुरु ने भी तो अपना ताकत दिखानी है। तो अब कल यहाँ पे ये बात जो गरेवाल साहब है, महेश इंदर सिंह गरेवाल, मैं उनके टीवी पे आज प्रेस में बयान मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, शर्म से सिर झुक गया भी आप अगर गुरु के सिख हो, अगर थोड़ा सा भी आपको सिख होने पे मान है तो आपको मक्कड़ साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था। आप कह रहे हैं भी आप वफादारी दिखाओ बादल के साथ, अरे वफादारी दिखानी है तो उस गुरु के साथ दिखाओ जिस गुरु ने ये पगड़ी दी आपको। तो मैं समझता हूँ ज़रूर गरेवाल साहब की जमीर जागेगी और वो ज़रूर पश्चाताप करेंगे, लेकिन आज लोगों के मन में बहुत भारी रोष है भी अगर मक्कड़ साहब ने सच बोला तो वो आदमी उसे बादल परिवार की गुणगान करने को कह रहा है, यही गुणगान करके तो आप बादल परिवार की झोली के लड्डू बन के आप लोगों ने ये पंजाब और पंजाब में आग लगाई, लेकिन अब वो टाइम नहीं है, माफ नहीं होंगे। तो लगता कहीं ना कहीं जिस तरह बेन सिंह जी के ऊपर भी कुछ सवाल उठाए गए तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और राजनाथ जी की मीटिंग हुई, मैं आपके चैनल पे स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, मैं लगातार और कैप्टन साहब भी, मैं लगातार मेरी 5 मीटिंग है राजनाथ जी के साथ। मैं उस दिन का कह रहा हूँ भी ये जो पन्नू है या पम्मा है जो 2020 की बात करते हैं, इनका हिंदुस्तान में व्हाट्सएप फेसबुक जो भी चलाते हैं इसे बैन करो, पर उस दिन मेरी बात नहीं सुनी। आज जब वो सीधा अटैक राजनाथ के ऊपर करने लगे हैं, होम मिनिस्टर जी के ऊपर करने लगे हैं, तो अब इनकी नींद खुली है, तब उनको बैन किया है। और उस पम्मा ने, मैं सुन रहा था, उसने धमकी दी है भी हम वो हाल करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भूल गए भी जो सरदार बेअंत सिंह जी का हमने 95 में दिलावर सिंह ने किया था। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसे लाखों लोग कुर्बानियां दे चुके हैं और लाखों लोग कुर्बानियां देने के लिए बैठे हैं अपने देश को, और देश के झंडे की आन शान की तरफ अगर कोई देखेगा तो उसका हाल जो पहले हुआ है, जो टेररिस्टों का हाल पहले हुआ है, वही हल आपका होगा। वहाँ बैठ के गिदड़ धमकियाँ देनी बंद करो, अगर थोड़ी बहुत ही भी शर्म है, अगर थोड़ी बहुत ही भी जान है तो यहाँ आओ, ये कहना वहाँ से मीडिया में बोल बोल के ये चीज़ें बंद करो।
इस गल इस मुद्दे पर यह तो सफाई है जी हो जाएगी। तो एक गल अखीरली मैं कहना, मजीठिया साहब यूपीओ आए सी, इस वेले रैलियां भी यूपी तो हरियाणे च होने लग गई, उन्होंने पता भी पंजाब साडा कुछ बचिया नहीं, वाइंड अप हो गया काम। तो हुण मजीठिया साहब अपने यूपी वाले फार्म हाउस से यूपी वाली मिल आ जी शुगर मिल आ उत्थे टब्बर नूं लै जाणगे, सारिआं नूं पंजाब च तां कुछ रहना नहीं गा। देखो जदों जंगल च अग लगती है ना, सब तो पहले किनू पता लगता दाखा जी? ये इस करके इन्हां नूं पता लग चुकिआ भी साढ़े अकाली दल च अग लग चुकी है, तो सब तो पहला मजीठिया साहब नूं पता लग्या है, इस करके उन्हूं समेट के अपना समान सारा यूपी च जिहड़ा लै जाणगे। लुधियाना से अभिषेक के साथ अमनदीप खैरा, टाइम्स पंजाब।